ठीक है, जल्दी से क्विक रिवीजन पिछले चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्या कल बोले थे ना, ठीक है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रिकैप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। सो द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली वॉज रिटन बाय कॉन्स्टेंटाइन, जेकब बर्कार्ट, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची। क्या है सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस वॉज रिटन बाय जेकब बर्कार्ट। बार बार हम लोग डिस्कस किए थे जेकब बर्कार्ट। क्या क्या हाँ 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 राइट राइट। अपना नाम बताइएगा और आंसर कीजिएगा। ठीक है, यूरोप केम टू बी डोमिनेटेड बाय सोशल सिस्टम कॉल्ड, बताइएगा आप नेम, खड़े होइएगा, नेम बताइएगा, आंसर कीजिएगा। आप बताइए। हाँ 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 आप ही। ठीक है, यूरोप केम टू बी डोमिनेटेड बाय सोशल सिस्टम, कौन सा सोशल सिस्टम था? रियलिज्म, फ्यूडलिज्म, सर्फडम, सेक्युलरिज्म। अपना नाम बताइएगा प्रिया। कौन सा? फ्यूडलिज्म। आंसर बताइएगा और खाली ऑप्शन नहीं बताइएगा। ये फ्यूडलिज्म, ऑब्वियसली हम लोग पढ़े ही थे इसके बारे में, इजंट इट क्लियर? सो इट वाज फ्यूडलिज्म। फ्यूडल सिस्टम क्या था? फ्यूडल सिस्टम क्या था? हाँ बताइए, व्हाट वाज फ्यूडल सिस्टम? नाम बताइएगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कमर्शियल यूज हो, कोई और बताइएगा। आप बताइएगा आप। फ्यूडलिज्म भूल गए हैं। फ्यूड का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ लैंड, राइट? वो तो फिर भी कुछ क्लोज थे। हाँ, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इससे पिछला जो चैप्टर किए थे, जो चैप्टर खत्म हुआ है उसी के बारे में। इवन रोमन सिविलाइजेशन में भी हमने पढ़ा था। तो फ्यूडलिज्म क्या था? इट वाज अ सिस्टम इन विच लैंड वाज ग्रांटेड टू फ्यूडल लॉर्ड्स और एंड दे कलेक्टेड रिवेन्यूज फॉर द किंग, क्लियर? जो रूलर होता था। तो ये कमोबेश आपको हर जगह मिलेगा, अगले साल भी पढ़िएगा या कोई भी सिविलाइजेशन पढ़िएगा। अगर मॉडर्न एम्पायर पढ़िए, एंशियंट का पढ़िए, मिडिवल का पढ़िए, जब भी पढ़िए, अलग अलग नाम मिलेगा लेकिन सिस्टम ऐसे ही था। अब मुगल काल में क्या होता था? मनसबदार होते थे। जैसे राजा है तो राजा क्या करेगा, एक किसी को फ्यूडल लॉर्ड बना दिया, आपको इतना लैंड दे दिया। सारे का मालिक कौन है? रूलर है। आपको उतना लैंड दे दिया, अब आपको क्या करना है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके देना है। अलग अलग सिस्टम हर एक जगह, जब आप देखेंगे तो आपको फ्यूडलिज्म का ही अलग अलग रूप मिलेगा, नाम बदल जाएगा, इजंट इट? सो यूरोप वाज डोमिनेटेड बाय सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम वाज फ्यूडलिज्म, क्लियर? नाउ जेकब बर्कार्ट बिलोंग्स टू, कहां के थे जेकब बर्कार्ट, बताइएगा। Excellent, right? So that is Switzerland, isn't it? Aman, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, mind blowing. Now, Italian coasts revived because Italian coastline जो था वो क्यों revive हुआ? ये Roman Empire में तो था ही important, लेकिन for the medieval period में वो revive हुआ। क्यों? ट्रेड बिटवीन बाइजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज, ग्रोथ ऑफ रियलिज्म इन आर्ट एंड स्कल्पचर, राइज ऑफ ह्यूमनिज्म इन सिटीज ऑफ पादुआ एंड फ्लोरेंस, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन बोलंगाना, क्लियर? आप बताइएगा, आप बताइएगा। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन सुनिएगा, क्लियर होगा। आप बताइएगा, नाम बताइए।
हम भी पहचाने ना थोड़ा सा। हाँ बोलिए अपना नाम बताइए। क्या काजल? ठीक है बताइए आंसर। बी नहीं, आंसर पूरा बताइए। ठीक है बैठ जाइए। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? अब तो ऑप्शन भी मिलता जा रहा है, आप बताइएगा क्या। क्या क्या कौन सा? ठीक है अब यहां पे समझते हैं इसको, इस क्वेश्चन में स्पेशली बात करें। अब देखिए सारा जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड। एमसीक्यू में आपको हमेशा यह ध्यान देना पड़ेगा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि स्कल्पचर आर्ट डेवलप नहीं किया था, ऑब्वियसली डेवलप किया था। पादुआ फ्लोरेंस में ह्यूमनिज्म पढ़ाया जाता था, लीगल स्टडीज पढ़ाया जाता था, इजंट इट? सो दैट इज ऑल्सो देयर। यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट बोलंगाना। लेकिन सबसे यहां पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं? कोस्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी देखिए कोस्ट किससे रिलेटेड होगा? ट्रेड से रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा। तो ट्रेड डेवलप किया बाइजेंटाइन एम्पायर जो पुराना था और इस्लामिक कंट्रीज अरेबियन कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड डेवलप किया उसके कारण इटालियन कोस्ट रिवाइव हुआ। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन डिस्करेज पीपल फ्रॉम थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स? कौन डिस्करेज किया अपने आप के बारे में लोग सोच पाए, ये नहीं कर पाते थे, क्यों नहीं कर पाते थे? कौन डिस्करेज किया? लैंडलॉर्ड डिस्करेज किया कि फार्मर्स किया कि चर्च किया कि सर्व्स किए? नहीं 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 नहीं, डाउट नहीं, एक बताइए। सेम बच्चा नहीं बोलेगा अमन, आपको पता है, आपको सारा आंसर पता है, राइट? सो यू आर गुड, राइट? हाँ चर्च इज द राइट आंसर। क्लियर? क्या? हाँ चर्च इज द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि चर्च से ही सब कुछ डोमिनेट होता था, चर्च ही बताता था कि क्या करना है, कैसे मतलब क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, ये चर्च ही बताता था। क्लियर? और लोग को सोचने का मौका ही नहीं दे पाता था। गॉट? नाउ टू डिस्क्राइब द कल्चरल चेंज, हिस्टोरियंस यूज द टर्म मेडिवल, रेनेसेंस, सिविलाइजेशन, मॉडर्न। हाँ अमन बोलिए। रेनेसेंस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर ही हम लोग किस बारे में पढ़े थे? रेनेसेंस। अब कौन बताएगा रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। रीबर्थ। और यहां पे रीबर्थ से मतलब क्या था? क्या पुनर्जन्म से मतलब था? तो क्या रीबर्थ था मतलब? हाँ रिवाइवल, रीअवेकनिंग। कहने का मतलब जैसे रोमन एम्पायर पहले था, ठीक है रोमन, ध्यान दीजिएगा, गुड बॉय, जैसे रोमन एम्पायर पहले था, बहुत फ्लोरिश एम्पायर था, वो तो खत्म हो गया 5th century में, तो वो एक तरह से उसका रिवाइवल हुआ। क्लियर? एक तरह से रीअवेकनिंग, लोग अपने बारे में सोचने लगे और बेटर वो करने लगे, चर्च के सीमाओं से आगे बढ़ने लगे, इजंट इट? Now, the members of the church were called, ये तो बहुत easy सा question है, हाँ बताइए नाम बताइए। मुस्कान, ठीक है। So, the members of the church were called clergy, ये तो एकदम से clear clear answer है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, the Byzantine Empire was a continuation of the German Empire, रशियन। अभी हम बताए हैं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा, द जर्मन एम्पायर, द रशियन एम्पायर, नन ऑफ दीज द रोमन एम्पायर। किसका? क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइएगा, नहीं आप मत बताइए। हाँ आप बताइएगा, रोमन एम्पायर। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रोमन एम्पायर का ही
कंटिन्यूएशन था. नाउ इसका भी आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. वेयर डिड द रेनेसेंस बिगेन? नहीं नहीं नहीं, आप मत बोलिए अमन. हाँ आप बोलिए, आप बोलिए. इटली. एक्सलेंट एक्सलेंट. नाम बताइए. मिसबा मिशवा. ओके नाउ व्हाट. अब इसका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. आप बताइएगा. बॉय विद स्पेक्स. यस गुड बॉय. ठीक है. व्हाट डज द वर्ड रेनेसेंस मीन? अभी हम लोग क्या रीबर्थ. रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रीबर्थ. अब विच इज नॉट अ रीजन द रेनेसेंस बिगेन इन इटली. कौन सा रीजन नहीं था? क्या इट वॉज द हार्ट ऑफ द ओल्ड रोमन एम्पायर. वेल्दी स्टेट्स कुड सपोर्ट आर्ट्स. दे नेवर हैड द ब्लैक प्लेग. रिच ट्रेडिंग पोर्ट्स. कौन सा रीजन नहीं था? नहीं नहीं आप मत दीजिए. एक बार में सही आंसर आप बताइए. आप बताइए. गुड बॉय. हाँ हाँ आप नाम बताइएगा. रोशन. हाँ रोशन. क्या होगा? कौन सा कारण नहीं है? क्या सी राइट. सो दे नेवर हैड द ब्लैक प्लेग. इससे रिलेटेड. एक्सलेंट वंडरफुल गुड जॉब. ठीक है. ठीक है अब हम लोग आगे चले जहां पे पढ़ रहे थे. ठीक है. नाउ ऑनवर्ड्स आई ट्राई टू एकोमोडेट मोर एंड मोर क्विजेस हर एक क्लास में ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन होता रहे. क्लियर? क्या समझ सकते हैं? आप तो समझ रहे हैं सब कोई. ये कैसे आएगा? अब ये आएगा कैसे? ओके ठीक है. नहीं नहीं ठीक है. हाँ पता है क्या. हाँ और है एक. अगली बार इसके बाद एंड में डिस्कस कर लेंगे. पर ये डाउनलोडेड रहता है ना. ठीक है. अब पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे थे ठीक है. अब बताइएगा चंगेज खान का नाम क्या था? तेमुजिन. राइट. तो हम लोग बात कर रहे थे कि जमुखा को हराने के बाद वो क्या बन गया. पर्टिकुलरली वो सारे ट्राइब को कंसोलिडेट कर लिया और चंगेज खान कंसोलिडेट कर लिया. और चंगेज खान का नाम ये ग्रेट खान. राइट. इसने ये टाइटल. ओ यस ठीक है. तो द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स विद द चंगेज खान द ओशनिक खान और यूनिवर्सल रूलर. तो ये टाइटल इसने अज्यूम कर लिया. ये टाइटल चंगेज खान का हो गया. अब आगे हम लोग बात कर रहे थे कि जस्ट बिफोर द क्विलताई ऑफ 1206. क्विलताई क्या होता है अमन बताइएगा? क्विलताई. हंसने का क्या बात है इसमें? कल ही हम लोग डिस्कस किए थे. एक्सलेंट. राइट. हाँ है ना. आप ही बताए थे और आप नहीं बताइएगा. फोन लेके बैठे हैं आप. आप फोन से आंसर कर रहे थे. हाँ
ठीक है, तो क्विरिलतई क्या था, 1206 का क्विरिलतई, क्विरिलतई हम बात कर रहे हैं जब भी, तो किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, कि जो ट्राइबल्स जो असेंबली कंडक्ट करते थे, क्या उसी असेंबली में तो डिक्लेयर किया गया था कि हाँ अब ये चंगेज खान, इसने अज्यूम कर लिया, अब चंगेज खान हैड रीऑर्गेनाइज द मंगोल पीपल इनटू अ मोर इफेक्टिव डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स दैट फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ हिज फ्यूचर कैंपेन। अब उसने, अब वो ट्राइबल हेड तो बन ही गया, सारे ट्राइबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल पर्सन वही बन गया, चीफ बन गया। अब उसने क्या किया, मिलिट्री को कंसोलिडेट किया, राइट, जस्ट मोमेंट, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, ठीक है आवाज मत निकालिए। तो अब इसने क्या किया कि अपने मिलिट्री कैंपेन्स को करने के लिए, क्योंकि उसको आगे अपना एम्पायर बढ़ाना था, उसको अपने ट्राइब्स को एक्सपैंड करना था, उसने क्या किया, आर्मी को कंसोलिडेट किया। द फर्स्ट ऑफ हिज कंसर्न वाज टू कॉन्कर चाइना, सबसे पहला कंसर्न क्या था कि चाइना को कॉन्कर करो, चाइना, क्योंकि मंगोलिया के ठीक नीचे, राइट, मंगोलिया के ठीक नीचे आपको मिलता है चाइना, क्लियर। तो सबसे बड़ा टारगेट था कि चाइना को कॉन्कर करूं, और चाइना इस समय तीन भागों में था जो रूल जिस तरह से होता था चाइना में, तो एक सीसिया जो तिब्बतन ओरिजिन के थे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, और जुर्चेन जो चिन डायनेस्टी, कल हमने डिस्कस किया था, ये वही रिकैप कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, चिन डायनेस्टी जो नॉर्थ चाइना को रूल करता था फ्रॉम पीकिंग, और सुंग डायनेस्टी हु कंट्रोल्ड साउथ चाइना, और साउथ चाइना में सुंग डायनेस्टी था। बाय 1209 द सी सिया वर डिफीटेड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज ब्रीच्ड इन 1213 एंड पीकिंग सैक्ड इन 1215। अब चाइना हमेशा से क्या था कि उसको खतरा रहता था अटैक्स का, इवन थर्ड सेंचुरी से ही, तो चाइना ने क्या कर रखा था, अपने आप को फोर्टिफाई कर रखा था, और पहले ये ट्रेंड था हमेशा, हर एक शहर एंशियंट इंडिया में भी आप देखिएगा, चाहे पाटलिपुत्र ही क्यों ना हो, तो सब फोर्टिफाइड होते थे, मतलब वॉल्स इरेक्ट कर देते थे ताकि कोई एंटर नहीं कर पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता था। तो चाइना का तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, अभी भी है ऑब्वियसली, तो बना के रखा था, तो किसी कॉन्करर को अटैक करना बड़ा आसान नहीं होता था, लेकिन चंगेज खान ने इसको भी डिफीट किया, और इसका मेथोडोलॉजी बहुत अलग था। चंगेज खान, अब ये इसको ब्रीच मतलब यहां पे कहने का मतलब, इसको भी भेद दिया, एंटर कर गया, और उनको और पीकिंग जो राजधानी थी उसको सैक कर दिया इन 1215 में, मतलब अबैंडन कर दिया। अब कैसे किया, इनका जो प्रोसेस होता था कि जैसे एंटर नहीं कर पाएंगे, क्लियर, तो क्या करते थे, इसको कहते थे सीज, सीजर, राइट, मतलब सीज कर दो किसी चीज को,
तो सीज कर दो किसी चीज को या कहीं, तो कहने का मतलब बाहर से पूरा आर्मी बिछा दिया, ठीक है, अब वॉल पे वॉल को तोड़ने में नहीं लग गए, क्या कर दिया, इनका बाहर से कनेक्ट को हटा दिया। अब क्या होता था कि पूरा फोर्टिफाइड है, वॉल है, एक जगह गेट होगा, अब गेट के पास तो ये लोग खड़े हैं, तो जनरली क्या होता है कि भाई कुछ दिन में कोई भी लौट जाएगा, इजंट इट, इसको कोई जल्दी नहीं होता था, कोई जल्दी नहीं था, आराम से पूरा सीज कर दिया। अब अंदर क्या हो गया, लोग भूखे मरने लगे, तो जब भूखे मरने लगे तो ये क्या करने लगे, ये अब यहाँ के रूलर्स जाकर के भाई सरेंडर कर देंगे, जब वहां पे सिविल वॉर छिड़ जाएगा, आपके कंट्री में अगर लोग को फूड भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप क्या करेंगे, सरकार से मांगना शुरू करेंगे, और सरकार से सरकार देने में सक्षम नहीं है क्योंकि सरकार का कनेक्ट ही नहीं है बाहर से, जो स्टोर्ड फूड था वो तो खत्म हो गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, खत्म हो गया, रिसोर्सेज खत्म। तो अब वो क्या करते थे, सरेंडर करना पड़ता था, या गेट खोला, अटैक कर दिया इन्होंने। तो इस तरह से 12:13, 12:15 तक आते आते इन्होंने इनका भी काम तमाम कर दिया। क्लियर। लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल्स अगेंस्ट द चिन कंटिन्यूड अंटिल 1234। चंगेज खान कब मर गया था, 1227 में, 1227 में चंगेज खान मर गया था, लेकिन उसका वॉर, उसके जनरेशंस, उसके सन, उसके पोते वो लड़ रहे थे। बट चंगेज खान वॉज सेटिस्फाइड एनफ विद द प्रोग्रेस ऑफ हिज कैंपेन्स टू रिटर्न टू हिज मंगोलियन होमलैंड इन 1216। तो 1215 में तो यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया, 1216 में, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, नहीं बहुत, इसके लिए भी अलग अलग स्टोरीज हैं, कहीं कहीं पे एकदम क्लियर स्टोरी नहीं है, पर अलग अलग स्टोरीज है मरने का, कि शायद कोई इंट्रूडर ने उसको उसी के ट्राइब्स में से मार दिया, और बहुत का मानना है, बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि मर गया बस, नेचुरल डेथ, राइट। तो 1216 में वो इतना सेटिस्फाइड हो गया, वो अपना वापस मंगोलिया चला गया। एनी क्वेश्चंस? तो वो वापस कहाँ चला गया, मंगोलिया चला गया, एंड लीव द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द रीजन टू हिज सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट्स को छोड़ दिया कि अब तुम लोग अपना काम करो। आफ्टर द डिफीट इन 1218, द कारा खिता हु कंट्रोल द टीन शान माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना मंगोल डोमिनियंस रीच द अमू दरिया। अब यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में हम देखते हैं कुछ डिफीट, लेकिन अल्टीमेटली हम देखेंगे कि और इनके इनका जनरेशन ने और एक्सपैंड किया इसके एम्पायर को, कम से कम इनके पोतों तक, क्लियर, सेकेंड जनरेशन तक। सो 1218 ऑफ द कारा खिता हु कंट्रोल द टीन शान माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना, चाइना के नॉर्थ वेस्ट में टीन शान माउंटेन है, हाँ बोलिए, इसका जो ये सबॉर्डिनेट था, मतलब वॉरियर था इसका, चंगेज खान का, और मोर और लेस सबको हम देखते हैं ना, चंगेज खान का जेनरेशन्स में आता है। चंगेज खान जहां जहां गया उसने अपना जेनरेशन बनाया, राइट। तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन, मानते हैं कि अधिकतर जो है चंगेज खान के ही वंशज हैं, इजंट इट, हर जगह शादियां करता था या फिर जैसे भी, और इस तरह से जनरेशन वो बनाता गया, इजंट इट। मंगोल डोमिनियंस रीच द अमू दरिया एंड द स्टेट्स ऑफ ट्रांसऑक्सियाना एंड ख्वारिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पर्शिया का पार्ट था, ख्वारिज्म, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं ना, इस जगह पे, यहां पे पर्शिया के पार्ट में, यहां का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इन्होंने फर्दर कैप्चर किया था।
क्या अलग अलग आवाज निकालते हो? हाँ ना, क्या किसको किसको बीमारी है बचपन से? ठीक है, यहां पे देखते हैं अब क्या हुआ। ख्वारज्म बहुत इंपॉर्टेंट, पर्शिया को तो इतना बर्बाद किया इसने चंगेज खान ने, बहुत पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसका लड़ाई करने का तरीका अलग था। ये जहां जाता था सब कुछ बर्बाद कर देता था, सब जगह आग लगा देता था, कुत्ते बिल्ली किसी को नहीं छोड़ता था, सबको खत्म कर देता था, isn't it? अब सुल्तान मोहम्मद द रूलर ऑफ ख्वारज्म फेल्ट द फ्यूरी ऑफ चंगेज खान्स रेज व्हेन ही एग्जीक्यूटेड मंगोल एनवॉयज। अब क्या था ना, इन्होंने क्या किया, क्योंकि पर्शिया में इन्होंने कहा कि हाँ चलो हम लोग एक रिले हमारे सबॉर्डिनेट में रहना, और चंगेज खान ने अपने दूत को, अपने मैसेंजर को भेजा, अपने मैसेंजर को भेजा सुल्तान मोहम्मद के पास। ठीक है, और क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ दूत को, मैसेंजर को उनको भेज दिया और बोला कि चलो हमारे साथ फाइट नहीं करो, हमारे साथ फाइट की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ट्रेड करो और हमारे हिसाब से चलो हम। अब इसने क्या किया, सुल्तान मोहम्मद ने क्या किया, पावरफुल रूलर था, इसने क्या किया, गला कटवा दिया उसका। ठीक है, और बाकी लोगों का मतलब हेड को शेव कर दिया, ठीक है, गंजा कर दिया सबको, और बाकी जो मेन जो था उसका गला कटवा दिया, बोला लेकर के जाओ कुछ कर, और इस तरह से। और जब चंगेज खान के पास कटा हुआ सर पहुंचा तो चंगेज खान बहुत गुस्सा हुआ, क्या, हाँ जो मेन मैसेंजर था और ग्रुप था जो गया था, चंगेज खान ने भेजा था, तो जो मेन जो हेड था उसका क्या किया, गला काट दिया, बाकी सबको गंजा कर दिया और वापस कर दिया। अब जब यहां पे पहुंचा चंगेज खान के पास ये मैसेज कि अरे इसकी इतनी हिम्मत कि ऐसा कर दिया, इसको इतना भगा भगा के मारा, बहुत बुरी तरह से मारा है इसको, क्या, और इसको भागना पड़ा इंडिया तक। अब यहां पे देखते हैं, इन द कैंपेन्स बिटवीन 1219 एंड 1221 द ग्रेट सिटीज ऑफ ओतरर, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर एंड हेरत सरेंडर्ड टू द मंगोल फोर्सेस। अब यहां पे क्या होता था ना, इतना दहशत चंगेज खान का, इतना दहशत कि आते थे तो अब सेना जो था वो सोचता था इतना बुरी तरह से मरने, वो सरेंडर कर देते थे, क्या, और सरेंडर ही कर देते थे। और अगर, और चंगेज खान अपने बातों का भी बड़ा पक्का होता था, मतलब कोई अगर, अब मान लीजिए कुछ क्या करते थे, यहां पे ऐसा भी इंसिडेंसेस मिला कि लोग धोखा दे करके चले गए, और उसके बारे में जैसे जब जमोखा को हराया था पहले, ठीक है, जो ट्राइब था जमोखा कौन था, उसका ब्लड ब्रदर था, नहीं पढ़ाया ना, उसी के बाद तो चंगेज खान बना, जब वो तो जमोखा को हराया था ना, तो बहुत सारे लोग आ गए थे, मतलब कुछ जमोखा के इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो आ गए और बताने लगे जमोखा के बारे में, और ऐसे करके हराया जा सकता है उसको, ऐसा आया। तो वो जमोखा फ्रेंड भी था, ब्लड ब्रदर भी था, वो उसका दोस्त ही था, ठीक है, और ब्लड ब्रदर था, ठीक है, उसी को, जमोखा को, पहले तो उसके साथ टाई किया, बाद में उसको हराया, उससे दुश्मनी हो गई। तो स्टोरी ये है कि आता है ना, और लोग बताते हैं कि उसके जो सैनिक होते हैं आते हैं बताते हैं कि जमोखा के बारे में, तो चंगेज खान को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई धोखा दे, कोई धोखा दे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसको लगा कि अरे तुम जब जमोखा को धोखा दे सकते हो तो हमको कौन सा धोखा नहीं दोगे, और सबको पूरी तरह से कटवा दिया, मरवा दिया सबको, क्या क्या, ठीक है। अब यहां पे भी हम देखते हैं कि जब ये सब लोकेशंस में, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर, हेरात, ये सारे सरेंडर कर दिए, ये मंगोल्स के सामने सरेंडर कर दिए, बोले मरने से अच्छा है सरेंडर कर दो, राइट, फाइट किया इनिशियली पर सरेंडर कर दिया। अब बात करें, टाउन्स दैट रेसिस्टेड वर डिवास्टेटेड,
और जिन टाउन्स जो सरेंडर कर दिया तो फिर ठीक है, और जिन्होंने विरोध किया, जो फाइट करने लगे, जो रेसिस्ट करने लगे, उसको पूरी तरह से प्लंडर कर दिया, पूरा तोड़फोड़ मचा दिया, सब कुछ जला दिया, बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, डिवेस्टेटेड एट निशापुर वेयर अ मंगोल प्रिंस वॉज किल्ड ड्यूरिंग द सीज ऑपरेशन। सीज ऑपरेशन आपको बता चुके हैं, सीज ऑपरेशन क्या होता है, जो पूरा घेर दिया जाए तो वो सीज हो गया। अब लोग अरे अब व्हाट इज दिस, सीज ऑपरेशन कोई बताएगा जरा? काजल आप बताइए, नहीं आज बताए हैं, अभी बताए हैं, सीज ऑपरेशन क्या होता था? हाँ एग्जैक्टली, और घेर दिया। अब क्या है, जैसे चाइना वॉल का इंपॉर्टेंट का आपको बताए कि चाइना वॉल है, घिरा हुआ है, अब सीजर हो गया, तो सीजर होने के कारण क्या होगा, अब उसका बाहर से कनेक्ट तो खत्म हो गया, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 8 महीना पड़े रहेंगे, उनका अंदर का अनाज खत्म, अब वो क्या करेंगे, अंदर में ही लड़ने लगेंगे, राजा से मांगेंगे, और उसके बाद वो क्या करते थे, सरेंडर कर देते थे, इजंट इट, क्या हो गया, अभी भी नहीं समझ में आया। मान लीजिए एक शहर है, राइट, चारों तरफ से दीवार घेरा हुआ है, अब जो अटैक करने आया वो दीवार को तो फांदेगा नहीं, ठीक है, वो क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया, और स्पेशली एक जो मेन एंट्रेंस होता था उसको घेर लिया। अब ये लोग बाहर तो नहीं निकल पाएंगे, अंदर ही रह जाएंगे, अंदर प्रोटेक्टेड है, लेकिन क्या होता था कि बहुत लंबे समय तक सीज ऑपरेशन होता था, तो सीज कर दिया तो अब ये अंदर जो है वो तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इनका ट्रेड ये सब बिजनेस तो खत्म, इनको अनाज भी चाहिए, तो बाहर से ट्रेड करते थे ना, तो वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं, इकोनॉमी खराब, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, फूड, अब फूड भी नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, विद्रोह करने लगेंगे ना राजा के खिलाफ ही, अब राजा के पास कोई ऑप्शन रहेगा, या तो लड़ लो, लड़ सकते हो तो लड़ लो, और भूखे पेट कौन लड़ेगा, और या तो सरेंडर कर दो, तो यही होता था। ये सब सीज ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो यही सीज ऑपरेशन मींस कंप्लीटली सराउंड, सीज कर दिया जाता था कि बाहर कोई नहीं जा सके। क्लियर, समझ गए? चंगेज खान कमांडेड दैट द टाउन शुड बी लेड वेस्ट इन सच अ मैनर दैट द साइट कुड बी प्लाउड अपॉन। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि शहर को इस तरह से बर्बाद कर दो, सब कुछ जला दो, सब कुछ तोड़ दो, कोई बिल्डिंग नहीं रहे, कोई इमारत नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, सबको प्लंडर कर दो, तो उससे क्या होगा, अब तो जमीन बचेगी खाली, तो वहां पे क्या करेंगे, खेती कर सकते हैं, राइट, इजंट इट रोशन, राइट, रोशन, प्लाउड अपॉन एंड दैट इन द एग्जैक्शन ऑफ वेंजेंस फॉर द डेथ ऑफ द प्रिंस, नॉट इवन कैट्स एंड डॉग्स शुड बी लेफ्ट अलाइव। कुत्ते बिल्ली, वेंजेंस मतलब बदला लेना, राइट, बदला लेना, राइट, तो ऑब्वियसली तो बदला इस तरह से लिया जाता था कि भाई बदला लेना है, खत्म कर दो सब कुछ, राइट। ठीक है, अब बात करें एस्टिमेटेड एक्सटेंट ऑफ मंगोल डिस्ट्रक्शन। अब इसका कोई एग्जैक्ट एस्टिमेशन करना आसान नहीं था कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन वो करता था। अब आज के समय में तो जैसे हम लोग बात करते हैं, क्या था, होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट क्या था अमन, कल भी हम लोग इस बारे में कुछ बात कर रहे थे, होलोकॉस्ट 9th में पढ़ा होगा आपने, होलोकॉस्ट, नाजी किलिंग ऑपरेशन को होलोकॉस्ट कहते हैं। हिटलर जो ज्यूज को इतना मारा था ना, तो कहते हैं ना कि बहुत मारा, बहुत मारा,
इतना इतना ज्यादा जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब बहुत लोगों को नरसंहार जिसको कहते हैं, तो इतना बड़ा जीनोसाइड किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर हम मंगोल्स का देखें तो वो कुछ नहीं, मंगोल्स ने इतना ज्यादा जीनोसाइड किया, पर रिकॉर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, मिलता है, अभी का तो रिकॉर्ड मिल जाता है, इजंट इट। अब यहां पे देखते हैं स्टिल कितना डिस्ट्रक्शन उसने किया, इसके बारे में देखें। ऑल रिपोर्ट्स ऑफ चंगेज खान कैंपेन्स अग्री एट द वास्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ सिटीज दैट डिफाई हिज अथॉरिटी। देखो वो कहता था ये चंगेज खान कि देखो मेरा सुजरेंटी मान लो, मेरे अंडर आ जाओ, सरेंडर कर दो, प्यार से समझ जाओ, नहीं समझ रहे हो, हमको रिटेलिएट करोगे, मेरे से फाइट करोगे, हम क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे तुमको, बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे। दैट्स वॉट ही डिड। द नंबर्स आर स्टैगरिंग, वेरी हाई, स्टैगरिंग हाई। एट द कैप्चर ऑफ निशापुर इन 1220, इमेजिन 1747,000 पीपल वर मैसेकर्ड। मैसेकर का मतलब क्या होता है, मास किलिंग, मासेस, मास लेवल पे मारे, मासेस मतलब लोग, जनता, मैसेकर्ड। वाइल द टोल एट हेरत इन 1222 वॉज 1600,000 पीपल एंड एट बगदाद इन 1258 800,000। क्या स्मॉलर टाउन सफर्ड प्रोपोर्शनेटली, अब उसी हिसाब से क्या करेगा, छोटा शहर होगा तो कम मरेंगे ना, कम लोग भी होंगे, क्या? तो यहां पे हमको दिखता है कि यहां पे सबसे ज्यादा, राइट, 1747,000, 1600,000 और ये 800,000, घट रहा है, इजंट इट, बट नंबर्स एक्सट्रीमली हाई। बोलिए, नियरली कंसिडर करते हैं 1 मिलियन, आई मीन 10 मिलियन ज्यूज, 1 करोड़ के घर, ठीक है, अलग अलग फिगर है, बट स्टिल बहुत ज्यादा मरे थे इनका। एक ये एक एक शहर का, छोटा छोटा कैंपेन का बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल देखिएगा तो ये बहुत बहुत ज्यादा लोगों को मारा। नाउ स्मॉलर टाउन सफर्ड प्रोपोर्शनेटली, नासा 70,000 डेड, बाईहाक डिस्ट्रिक्ट 70,000 ईरान में, एंड अ टुन इन द कोहिस्तान प्रोविंस 12,000 इंडिविजुअल्स वर एग्जीक्यूटेड, सबको मार दिया इसने। हाउ डिड मेडिवल क्रॉनिकलर्स अराइव एट सच फिगर्स? अब ये नंबर्स दिया जा रहा है तो आखिर ये नंबर कहां से आया? क्रॉनिकलर्स किसको कहते हैं हम लोग? हाँ, जो टाइम को लिखते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं कि इस डेट में ये इवेंट हुआ, इस डेट में ये इवेंट हुआ, तो ये इनको क्या कहते हैं, क्रॉनिकलर्स। क्लियर? अब ये कंक्लूजन कैसे निकालें? जुवाइनी द पर्शियन, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, पर्शियन क्रॉनिकलर था, ऑफ द एल्खान स्टेटेड दैट 1300,000 पीपल वर किल्ड इन मर्व। उन्होंने कहा कि मर्व में, तो ये सब डेटा आया कैसे? तो आया कैसे, अलग अलग डिस्कशंस के बेसिस पे। हाँ, ले लेंगे एक मिनट, ठीक है। ही रीच द फिगर बिकॉज इट टुक 13 डेज टू काउंट द डेड एंड ईच डे दे काउंटेड 100,000 कॉर्पसेस। अब ये फिगर कैसे निकाला? 13 दिन लगा लाशों को काउंट करने में, क्लियर, और हर दिन में 100,000 कॉर्पसेस, लाशों को काउंट किया गया। तो इस तरह से अलग अलग फिगर्स को निकाला गया और दिखाया गया कि हाँ भाई इतना लोग मरा, क्लियर। ये बता रहे हैं, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। मंगोल फोर्सेस इन परसुइट ऑफ सुल्तान मोहम्मद, बात किए थे हम लोग, ख्वारिज्म, सुल्तान मोहम्मद, पुश्ड इनटू अजरबैजान, डिफीटेड रशियन फोर्सेस एट द क्रीमिया एंड एनसर्कल्ड द कैस्पियन सी। तो रशियन फोर्सेस को हराया, कैस्पियन सी के पास भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। अनदर विंग फॉलोड द सुल्तान सन, अब सुल्तान सन का था जलालुद्दीन, वहां से भागा वो, इससे बचने के लिए वहां से भागना शुरू किया वो। तो जलालुद्दीन भागा, भागते भागते अफगानिस्तान पहुंचा, राइट, अफगानिस्तान पहुंचा, और अफगानिस्तान के बाद सिंध, सिंध के बाद भारत, इजंट इट, एंड द सिंध प्रोविंस
एट द बैंक्स ऑफ द इंडस. तो सिंधु नदी के बैंक तक भागता भागता पहुंचा जलालुद्दीन? नहीं. अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, ख्वारिज्म पर्शियन रूलर था, वहां से भागते हुए यहां आया. इतना बुरी तरह से पर्शिया को भगा भगा के मारा था लोगों को. अब भागते भागते ये उस समय इंडिया में रूलर था इल्तुतमिश. ठीक है, इल्तुतमिश था रूलर जो स्लेव डायनास्टी का था, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इल्तुतमिश. अब वहां तक पहुंचा और चंगेज खान कंसिडर्ड रिटर्निंग टू मंगोलिया थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड असम, बट द हीट, द नेचुरल हैबिटेट एंड द इल पोर्टेंट्स रिपोर्टेड बाय हिज शमन सूथसेयर मेड हिम चेंज हिज माइंड. तो ये पीछा करते करते जा रहा था, लेकिन सिंधु नदी के पास जाकर के फिर उसने डिसाइड किया मंगोलिया वापस कर लौटते हैं, इंडिया में एंटर नहीं किया. क्या? क्योंकि उसके जो शुभ चिंतक थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं वहां मत जाइए, क्लाइमेट इज नॉट गुड, बेटर वापस आ जाइए, क्लाइमेट बहुत ठीक नहीं है और वहां पार कीजिएगा, जाइएगा, जाने दीजिए जलालुद्दीन. और प्लस इंफॉर्मेशन भी मिल गया था, जलालुद्दीन भागता भागता वहां पे पहुंचा इल्तुतमिश के पास, और इल्तुतमिश का कैपिटल उस समय लाहौर था. तो वहां पे जब इल्तुतमिश के पास पहुंचा, इल्तुतमिश बोला काहे का हम पंगा लेंगे इन सबसे, मंगोल से क्यों पंगा लेंगे, इसको अगर शरण देंगे. वहां से भागता हुआ आ रहा है तो उसको इल्तुतमिश ने डिनाई कर दिया, उसको कोई सपोर्ट नहीं किया. इंफॉर्मेशन मंगोल को मिल गया, तो अलग अलग इसीलिए धारणा दी जाती है कि क्यों इंडिया पर अटैक नहीं किया. क्लियर? और कि भाई एक तो वॉर्म था, इसने एंटर नहीं किए, फिर यहाँ पे इल्तुतमिश ने भी एक तरह से उसको अपोज नहीं किया. जो भी चंगेज खान को अपोज करता था, उसके अगेंस्ट खड़ा होता था, उसके लिए तो वो काल बन जाता था कि बुरी तरह से मारता था. क्लियर? ओके, विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. 1227 में मर गया था. ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा. नेक्स्ट में भी हम लोग और क्वेश्चनेयर करेंगे, हर दिन क्वेश्चनेयर से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल. ठीक है, अमन तुम फोन से देख देख के